गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूं। सुबह के बज रहे 9 और हमारे घर में ना देखो पूरी खिड़की वगैरह सब कुछ बंद है। फिर देखो कबूतर आया गया घर में, दिखाती हूं आपको। ये देखो गाइस कबूतर बैठा है हमारे घर में हो रहा। और हमारे देखो गाइस मैंने खिड़कियाँ सारी बंद कर रखी है, वहाँ से एडजस्ट करके थोड़ी सी जगह है ना, ये वहाँ से आया है। देखो ये रहा ना कैसे जाएगा, भगाओ जरा। पागल जा इधर से जा। जीत गए हम, दिखा दिया मैंने, भेज दिए तुमने। चल कम चाय बना के लेकर आऊंगा। ठीक है राइट, चाय पियोगे? अरे गर्मी लग रही है, वहाँ गर्मी आ रही है। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नाश्ते पर, ठीक है सुनो? तो गाइस मैं नाश्ता बना के लेकर आ चुकी हूँ और कम्मा को देखो ये लाइव न्यूज देख रही है, लाइव न्यूज देख रही है राम मंदिर की। और बैठ के और चाय पी लिया, झूठ बोल रहे पी ली जो बची है वो मेरे लिए, मुँह तोड़ दूंगी। खाना बताओ क्या खाओगी? मलाई कोफ्ता। गाइस हमारे शुभ शुभ का गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू। मैंने बोल दिया ना, मैं तो अपना बोल रहा। गाइस आज हमारे घर में शुभ शुभ आया था कबूतर, कुकुड़ 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 कुटर कुटर गू गुटर। गलती से कुकुड़ कुकुड़ निकल गया। तो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं सरसों पालक और दाल, मतलब सरसों पालक की दाल जो पंजाबी स्टाइल में बनता है, सरसों का साग हम वही बना रहे हैं, पर इसमें हम थोड़ा सा कुछ अलग कर रहे हैं। जो पंजाबी स्टाइल में जो दाल डालते हैं मूसली दाल डालते हैं, मूसली नहीं डालते। तो मैं वही बनाने जा रही हूं, देख सकते हो मैंने दाल धोली। बना के देखना, बहुत गजब। मैंने चढ़ा दिए है कुकर उबलने के लिए, जब तक ये उबलता है तब तक मैं इसकी तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। देखते हो गाइस मैंने तड़के का सामान रेडी कर लिया है। ये हमारी दाल उबल चुकी है, देखो दाल और पालक सरसों सब चीजें उबल के रेडी है। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, हम इसमें डाल देंगे लहसुन। इसको अच्छे से रोस्ट होने देंगे जब तक हम मैशर से इसको घोट लेते हैं। ये देखो गाइस अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च, इनको भी अच्छे से हम इसमें डाल देती हूँ। और ये देखो ये मैंने अच्छे से घोट लिया, दिख नहीं रहा होगा आपको, आई हमारा यही टूट गया है, देख देख सकते हो आप अच्छे से। गाइस हम धीमी धीमी आंच में इसको पका रहे हैं और जब तक मेरी रोटी बन रही है मैं खाना बना रही हूँ। करिश्मा देखो क्या कर रही है, ये देख रही है राम जी की स्थापना जो राम मंदिर में हो रहा है, जिसके कारण आज पूरे इंडिया में छुट्टी है। इंडिया में छुट्टी है ना, आई थिंक पूरे इंडिया में ही होगी छुट्टी। हाँ ये देखिए, ये हमने आपको स्वयं दर्शन करा दिए। ये देखो ये पूजा पाठ हो रही है, उनकी स्थापना हो रही है। तुम्हारे से दिखाने के चक्कर में मेरी रोटी जल गई, रोटी जल गई गाइस मेरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए मैं पहले फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। ये मैंने प्लेट लगा ली है रोटी देसी घी के साथ। नो भाई छी तमीज नहीं सीखी है।
लो अचार। लाश खेल के आवाज। हाँ अचार सही लग रहा है पालक। बढ़िया मस्त। चलो मैं बना रोटी पर नमक डाल रखा है। मैं जरूर डाल रखा। हाँ डाला है ना नमक। पराठे का आटा रखा हुआ था उसी की बनाइए। अरे रोटी जल जाएगी। कितनी बना ले? कितनी बन जाएगी? गाइस मैं तो मुरमुरे डाल के ले आई अपने पालक में। मेरा बड़ा मन कर रहा था मुरमुरे खाने का। हैं रोटी चार ही बनी है। हाँ और आटा गूंदने तो जा रही हूँ। मेरा खावा निकाल रखा है मैंने। दो मिनट मत करो मत करो। ये से खा के जाएंगे नमक ले लेके जाएंगे बस। चावल बनाऊंगी आज तो यूज के साथ बहुत है। चलो चलो नाना भी है मुझे। क्या माल है गाइस? तो हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया माल है ये। जो खाना खुशी से खाया जाए ना सब माल कहते हैं। क्या सामने कुछ भी हो। अच्छा तो सही है जो मैं ये खा रही हूँ खुशी से ये भी माल है। तो खुशी से खा के अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये माल है। अच्छा तैयार हो जाओ ना बुकिंग पे जाएंगे। ऐ देखो अपना खाना खा के मेरा कटोरा छीन लिया कमुआ ने। ये चम्मच देख रहे हो सीख गया। तुमने छीनी है वैसे। मैंने अलग चम्मच फिर ला के दिए मैंने तुम्हें। भाई इन्हें किसको इतने पसंद आई ने मेरे वाले फटाफट से ले लिया इन्होंने। ला मैं भी खाऊंगी। अब जल्दी से खा के तैयार हो जाओ। हो गई ना। मैं तो नहीं हुई जो किसी मैंने दिखा रही ना। नहाने जा रही हूँ नहा के आके तब दिखाऊंगी। मैं तो पेट भर। बाय गाइस बाद में मिलते हैं दुकान जाते हुए। ठीक है बाय गाइस। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं पार्लर और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बाहर कितना शोर हो रहा है। श्री राम श्री राम। मैं दिखा रही हूँ। ये देखो गाइस ये देखो छत पे डांस कर रहे हैं और ये बिहारी सारे पागल लोग हैं। कैसे डांस कर रही है इन्होंने गाने चला रखे हैं। बहुत तेज़ देखो कहाँ गया इरा। तो गाइस हम जा रहे हैं पार्लर और पार्लर जा मैं जैकेट पहन लेती हूँ अपनी और हम जा रहे हैं पार्लर। आपसे मिलेंगे पार्लर में। और पार्लर से आज हमें जाना है बुकिंग पे ब्राइडल की बुकिंग पे जाना है उनका फेशियल करने के लिए। और तो हम वहाँ पे भी जाना है हमें। तो अभी तो 2 बज रहे हैं और हमें जाते जाते हुए टाइम हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे बुकिंग पे। तो गाइस हम आ चुके हैं पार्लर और पार्लर से नगमा को दिखा रही है बम्फर ट्रक कहीं का। ये देखो देखो क्या चोटी पे बैठने से देखो देखो ये लटक गया पूरा उल्टा हो गया पूरा। बाहू वाला झूला है। हाँ उल्टा हुआ है। अरे थोड़ा सा लड़की बुकिंग पर। बुकिंग पर जा रहे हैं हम। बुकिंग पर लो पकड़ो। हाँ? रो रही है क्या? सो रही है रो नहीं रही। बम फट रहा था क्या? चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय टाटा। मगन होके गाना गाती हुई चल रही है बुकिंग पर। गाइज फाइनली हम आ चुके हैं बुकिंग पे और अब हम फेशियल करके यहाँ से निकलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ठीक है तो हमारे लिए लग चुका है नाश्ता। देखिए चलेंगे हम आपसे मिलते हैं आपको बताते हैं। करिश्मा नाश्ता कर रही है। चलिए ठीक है हम बात करते हैं। अरे हम बुकिंग पे से आ चुके हैं और अब हमने शॉप भी बंद कर दी है और हम जा रहे हैं करिश्मा के घर। और करिश्मा के घर का एरिया पड़ता है इधर का तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आगे कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है। दिवाली मना रहे हैं यहाँ के लोग। ये देखो गाइस कितना अच्छा सजा रखा है। अच्छे लग रहे हैं ना। वाओ करिश्मा पर्दों पर लाइट है सिलवाई है क्या? तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये करिश्मा के घर की तरफ से रास्ता पड़ता है देख सकते हो। यहाँ पूरा माहौल दिवाली वाला लग रहा है। सबने सजा रखी है। ये देखो ये गली है करिश्मा की। घड़ी है घड़ी घड़ी है। हाँ भाई वाली बन गई है। तो
गाइस, तो गाइस चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं। हम घर पे आ चुके हैं, मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं करिश्मा के घर पर और अब हम लेकर आ गए दिए। देखो हम दिए जला, भैया बहुत महान आदमी है। आदमी औरत बोलोगी तो समझ में आएगा, तुम आदमी बोल रही हो, कहाँ जा रही, छुप रही हो, तुम नगर में लूंगी। तो गाइस आप देख सकते हो अच्छे लग रहे हो ना, दिवाली के दिए जला रहे हैं हम। तो बोलो कल तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। और क्या वो क्या कह रही है, उसकी मेरी कहानी एक जैसी। तो गाइस देखो फाइनली यहाँ दिए जल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जल चुके हैं, आप देख सकते हो, अच्छे लग रहे ना। तो एक दो तीन चार, मुझे बैठ के बुरा लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमने जला दिए चौकट पर, ये सही है, दो है ना, ये सही है, इधर जला दूं, एक यहाँ ठीक है, वहां से यहाँ तक ले, पूरी ना आ रही तू, मैं नहीं, वहां से यहाँ तक का ले लो, दियो नहीं कैसी बनेगी। तो गाइस चाकू में लगा बात करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमने दिए जला दिए, उधर भी जल रहे हैं और इधर भी जल रहे हैं। फाइनली गाइस दिए जल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर और हम अब बहुत सारी बातें करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बाय बाय। बाहर पटाखे चल रहे हैं बहुत तेज वाले, मैं भी डर गया था अभी, बहुत ज्यादा, बहुत डर गया था मैं। मैं तो चौक अनार लेके आया ना, मैं दिखाती हूँ आपको, पटाखे चल रहे हैं। भाभी चाची हाय। अंदर सारे तुमने तो दिए बंद कर दिए, देखना इधर भी बुझा दिए तुमने सारे। तुमने इधर पटाखा जलाया अंकल जी, मैंने ना उसके ना क्या हीटर की ना फ्लेम तेज करी, इतनी बुझ रही से डरी मैं, मुझे लगा जाओ ना कूदो ना जाके। ये देखो गाइस सब पटाखे पटाखे सब जल रहे हैं, पूरी दिवाली बन रही है और ये देखो कितनी पब्लिक है देखने के लिए। कितना बड़ा अनार है, मुंह दिखाओ जरा ऐसे, देखो इतना मोटा अनार है। ये चला रहे हो जला लो बहुत स्मेल आ रही है मुझे, मैं तो अंदर आ गई, अब नहीं बना रही मैं। आपने देख लिया ना कैसे दिवाली मनाई जा रही है यहाँ पे। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। टाटा। तू कहाँ इतनी दूर को भाग गई, मुझे डर लग गया। पापा अभी अंकल जी फोड़ेंगे। अरे अंकल जी नीचे, अरे नीचे देख के। अच्छा ली थी और क्या कैसे कैसे आलू बम कैसे करता है, कैसे यहाँ पे करके दिखाओ, अब दिखाओ फट।
देखो बुग्गा, वो देखो फोड़े। गाइस मैं अंदर हूँ। डर गया करती रह गई मैं। कौन में तो तेज आवाज आ गई भी तो बमकी लेने गई। गाइस देखो ये वाली दिवाली पे भी इतने सारे पटाखे आए हैं। देखो कट्टा कट्टा भर भर कर आए हुए हैं। वो देखो उसके अंदर भी देखो इतने सारे थे, खसारे खाली कर दिए। नहीं नहीं निकालो मत बेटा, निकालो मत, पर ऐसे ही। ये देखो इसमें भी इतने सारे पटाखे हैं, ये इस दिवाली के लिए आए हैं। और आपको तो पता है जब रियल वाली दिवाली थी जब भी बहुत सारे आए हुए थे, और इसमें भी बहुत सारे पटाखे आए हुए हैं। देखो आप देख सकते हो आसमान पे, आवाज आप सुन सकते हो पटाखे की आवाज कितनी तेज तेज आ रही है। देखा ना पटाखे की आवाज कितनी तेज तेज आ रही है। और करिश्मा ने आती ही साथ मशीन निकाल ली, और मशीन लगा ली है कि जो थोड़े मोड़े वेस्ट कपड़े हैं वो धुल जाए फटाफट से, और सुबह तक सारे सूख जाए। इसलिए तो चलिए गाइस मैं दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ, और मिलते हैं आपसे।